आज हम गणित में सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम और विषम संख्या ज्ञात करने के लिए कई नियम हैं। अब पहला देखो, कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या में से दो दो का समूह, दो दो अंक लेकर के हम समूह बनाएंगे। दो दो का समूह बनाने पर यदि एक बच जाता है तो वह संख्या सम नहीं होती, विषम होती है। और दो दो का समूह बनाने पर यदि कुछ न बचे, पूरा समूह बन जाए, तो वह संख्या सम होती है। जैसे अब उदाहरण के लिए देखो, 4, 5, 8, 7, 9, 11, 12 दिया हुआ है, ये अंक संख्याएं दी गई है। अब 4 में दो दो का समूह बनाया, 2 और ये 2 मिलकर के हो गए 4, नीचे कुछ नहीं बचा, तो दो समूह बना। दो दो का समूह बनाने पर यहाँ दो समूह बन रहा है और बच नहीं रहा है कुछ, तो यह मतलब 4 सम संख्या है। 5 को देखो, 1, 2 का एक समूह बनाया, फिर 2 का एक समूह बनाया, 4 हो गया और 1 बच गया, जिनो 1, 2, 3, 4, 5 5 में 2-2 का 2 समूह बन रहा है और 1 बच जा रहा है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है। 8 को देखो, 2-2 का समूह बनाओ, 1 समूह 2 समूह 3 समूह 4 समूह, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, 2-2 के 4 समूह बने, तो 8 सम संख्या है क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं। 7 का बनाया, देखो 2 का 1 समूह, फिर 2 का 1 समूह, 2 का 1 समूह, 6 हो गया, 1 बच गया, यहाँ समूह पूरा नहीं बना 2 का, तो 7 विषम संख्या है। 9 को देखो, 2 का 1 समूह, फिर 2 का 1 समूह 4 हो गया, फिर 2 का 1 समूह बनाया तो 6 हो गया, फिर 2 का 1 समूह बनाया 8 हो गया और 1 बच गया, तो यह सम संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है। 11 का बनाओ, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 5 समूह बना, 2, 5, 10 और 1 बच गया, तो 11 विषम संख्या है। 12 का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 6 समूह बना, 12 में 2-2 का जब समूह बनाया तो 6 समूह बना, बचा कुछ नहीं, तो 12 सम संख्या है। इस आधार पर सम संख्याएं और विषम संख्याएं जब अलग करना रहेगा इसमें से, तो सम संख्या क्या है, 4 है, 8 है और 12 है, इसमें कुछ नहीं बचा। और 5 में देखो 1 बचा है, तो 5 विषम संख्या हो गई। 7 में 1 बचा, 7 विषम संख्या हो गई। 9 में 1 बचा, 9 विषम संख्या हो गई। और 11 में 1 बचा, 11 विषम संख्या हो गई। ठीक, अर्थात जिस संख्या में या जो संख्या, अब दूसरा, जो संख्या 2 से भाग देने पर, जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है, 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरे पूरी भाग जाए और शेषफल 0 आए, वह संख्या सम होती है। और जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आए, वह संख्या विषम होती है, सम नहीं होती। अब संख्या दी गई है 24, 24 में 2 की भाग दे करके देखो, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0 आया। अब 4 को उतारा, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाया 0, तो 24 में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो 24 सम संख्या है। 25, 25 में 2 की भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0 और 5 उतार लिया नीचे, 5 में 2 का पारा पढ़ो, 2 दूनी
चार, पांच में से चार घटाया एक आ गया शेषफल, तो 25 विषम संख्या है। उसी तरह 29, तो दो एकम दो, अब नौ में भाग दो, दो चौक आठ, नौ में से आठ घटाया एक, एक शेष आ गया तो 29 विषम संख्या है। 36, 36 में दो की भाग दो, दो एकम दो, तीन में से दो घटाया एक आया, अब छह को उतार लो हो गया 16, दो अट्ठे 16, छह में से छह घटाया जीरो, एक में से एक घटाया जीरो, यानी 36 में दो से भाग देने पर भागफल 18 आता है, लेकिन शेषफल शून्य, 18 समूह बना दो दो का, तो 36 क्या है सम संख्या, 57 दिया है, तो दो से भाग दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, पांच में से चार घटाया आया एक, सात को उतार लिया हो गया 17, दो की भाग दो 17 में, 17 से ज्यादा ना हो तो दो दूनी चार, दो तिहाई छह, दो चौक आठ, दो पच दस, दो चक 12, दो सते 14, दो अट्ठे 16, दो नौ 18 ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार पड़ेंगे, 8 ऊपर लिखा, दो अट्ठे 16 घटाओ, सात में से छह गए एक, एक में से एक गए शून्य, तो एक शेष आ गया, यानी 57 विषम संख्या है। तो इससे क्या पता चलता है कि दो से भाग देने पर जिस संख्या में पूरी पूरी भाग जाए और शेषफल कुछ ना आए, शेषफल शून्य आए, तो वह संख्या सम होती है, और जिसमें भाग देने पर शेषफल एक आए वह संख्या विषम होती है। इस आधार पर सम संख्या 24 और 36 सम संख्याएं हैं, 25, 29 और 57 विषम संख्याएं हैं। तीसरा नियम, छोटी संख्या में हम दो से भाग दे करके देख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या रहती है, हजार में, लाख में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वहां पर अलग नियम है, और सबसे आसान नियम क्या नियम है कि जिस संख्या में इकाई के स्थान पर सिर्फ इकाई देखना है, इकाई के स्थान पर शून्य, दो, चार, छह या आठ, इसमें से कोई भी अंक आता है तो वह संख्या सम होती है, सम संख्या कहलाती है। और जिस संख्या में इकाई के स्थान पर एक, तीन, पांच, सात, नौ, इसमें से कोई भी अंक होता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इस आधार पर अब संख्याओं का वर्गीकरण करना है, प्रश्न दिया जाएगा उसका वर्गीकरण करो। देखो नीचे प्रश्न दिया है, 35, 67, 32, 30, 43, 34, 51, 56, 88, 79, 501, 406, 990। अब इसमें से सम और विषम संख्याएं अलग करके लिखना है, पहचान कर इकाई का स्थान देख करके पता करो, इकाई 5 है तो 35 हो गई कौन सी संख्या विषम, 35 विषम संख्या है। 67 में इकाई 7 है, देखो इकाई 7 है तो वह संख्या विषम संख्या है, 35 के बाद 67 भी विषम संख्या है, 67। अब 32, 32 में इकाई 2 है तो 32 सम संख्या हो गई, पूरा 32 लिखना पड़ेगा, बहुत से लोग खाली इकाई का ही अंक लिख देते हैं तो गलत हो जाता है सवाल, ध्यान रखो पूरी संख्या लिखनी है। 30 देखो, 30 में इकाई शून्य है तो दो की भाग पूरा जाएगी, तो 30 सम संख्या है। अब दिया 43, इकाई 3 है तो दो की भाग देने पर एक शेष आएगा, 43
हो गई विषम संख्या, विषम में लिखेंगे। चौंतीस, चौंतीस में इकाई चार है तो दो दूनी चार होता है, चौंतीस में दो की भाग जाएगी, चौंतीस हो गई सम संख्या, ये चौंतीस सम में लिखेंगे। इक्यावन, एक आ गया देखो इकाई तो दो की भाग नहीं जाएगी, एक शेष बचेगा, तो इक्यावन विषम संख्या है। छप्पन, इकाई छह है, दो तिहाई छह होता है, छप्पन में दो की भाग जाएगी तो छप्पन हो गया सम संख्या। अट्ठासी, इकाई आठ है ते भी सम संख्या है, दो चौका आठ होता है। उन्यासी, नौ है तो दो चौका आठ, दो पचे दस, तो सम संख्या में आठ के बाद फिर सुनना आ जाएगा इकाई, तो यहाँ नौ है, उन्यासी में अगर हम दो की भाग देंगे तो एक शेष आएगा, इसलिए उन्यासी हो गई विषम संख्या। 501, यहाँ भी इकाई एक है तो भाग नहीं जाएगी, एक शेष बचेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 501 विषम संख्या है। 406, इकाई छह है, दो तिहाई छह, तो 406 में भी दो की भाग जाएगी, 406 हो गई सम संख्या। और अंतिम है 990, इकाई शून्य है, यहाँ दो की भाग दोगे तो दो की भाग पूरी पूरी जाएगी, दो चौका आठ बचा एक उतारा नौ, 19 होगा, फिर दो नौ 18 घटाओगे तो आएगा एक, फिर उतारा शून्य तो 10 हो जाएगा, दो पचे 10, पूरा पूरा भाग जाती है, तो 990 सम संख्या है। तो अभी सम और विषम संख्या का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अब इसका फोटो खींच कर भेजा जाएगा, उसको करना, ठीक है।